अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकूबाब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्हाट्सअप बैकअप के बारे में बताऊंगा कि व्हाट्सअप बैकअप क्या होता है और आप लोग व्हाट्सअप बैकअप किस तरह ले सकते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने व्हाट्सअप ओपन किया हुआ है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ऊपर 3 डॉट का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। सो सेटिंग में मैं जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन है चैट्स का, तो मैं चैट्स में जाऊँगा। ओके, सो दोस्तों, चैट्स में आने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चैट बैकअप। आप लोगों ने चैट बैकअप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस व्हाट्सएप अकाउंट का बैकअप मैंने ऑन नहीं किया हुआ है। अभी आप लोगों के सामने ऑन करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा कि बैकअप किस तरह लेना है। ओके, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि बैकअप होता क्या है। सो दोस्तों, बैकअप का मतलब ये है कि ओरिजिनल डेटा का एक कॉपी बना के रखना। ओके, अब इस बैकअप का ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि डेली हम बहुत से लोग के साथ चैटिंग करते हैं। ओके, सो सपोज़ करें कि एक्सीडेंटली आपका जो मोबाइल है वो टूट जाता है या गुम हो जाता है, आप अपना व्हाट्सअप जो है ना दूसरे मोबाइल पर ऑन करते हैं। ओके, तो अगर आपने बैकअप नहीं लिया हुआ है तो आपका जो व्हाट्सअप अकाउंट है, अगर आप दोबारा बनाते हैं तो उसमें जो चैट आपने पहले से की होगी तो वहाँ पे कोई भी कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, वो खाली डब्बा होगा। यानी आप व्हाट्सअप जो है ना व्हाट्सअप का अकाउंट दोबारा बनाते हैं न्यू मोबाइल में, तो वहाँ पे आपका कुछ भी चैट जो पहले आपने की होगी, ओके, वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग बैकअप लेते हैं तो जब आप व्हाट्सअप अकाउंट दोबारा बनाते हैं, ओके, आपका मोबाइल टूट जाता है या गुम हो जाता है, आप दोबारा अपना व्हाट्सअप का अकाउंट जब बनाते हैं तो आपको व्हाट्सअप ये फैसिलिटी देता है कि आपका पास जो बैकअप है उसको रिस्टोर करे। जब आपके पास बैकअप होगा तो जैसा आपका अकाउंट बनेगा दोबारा, तो जो भी चैट आपने की होगी, किसी के साथ आपने पिक्चर शेयर किया होगा, किसी के साथ वीडियो, तो वो सब कुछ दोबारा वापस आ जाएगा तब जब आपके पास बैकअप हो। ओके, सो हम डेली अपने व्हाट्सएप अकाउंट का बैकअप लेते हैं इसलिए कि कल खुदा ना खास्ता हमारा कोई मसला आता है और हमारा व्हाट्सएप चला जाता है तो हमारे पास बैकअप होगा। जब भी हम अपना अकाउंट दोबारा बनाएंगे तो वो बैकअप हम रिस्टोर करेंगे और हमारा जितना भी डेटा होगा वो वापस आ जाएगा। ओके, सो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि बैकअप किस तरह लेना है। सो दोस्तों, बैकअप लेने के लिए गूगल अकाउंट की ज़रूरत होती है। ओके, सो आपके पास गूगल अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि गूगल अकाउंट किस तरह बनाते हैं, जीमेल अकाउंट। ओके, सो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो यहाँ पे ऑप्शन है गूगल अकाउंट का, आप लोगों ने यहाँ पे एक अकाउंट देना है। ओके, सो यहाँ पे मैं अपना एक जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। ओके दोस्तों, हम जीमेल अकाउंट इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारा जो ये बैकअप है वो गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम इसको एक्सेस देंगे, यहाँ से अलाउ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गूगल अकाउंट है यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन है बैकअप टू गूगल ड्राइव, मतलब आपका बैकअप कब लेना चाहते हैं, डेली बैकअप लेना चाहते हैं, कभी भी नहीं, वीकली, डेली, मंथली। ओके, यानी आपका बैकअप जो है ना आप किस हिसाब से लेना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा डेली, यानी आप लोग जो आज चैटिंग करेंगे ना उसका बैकअप कल लिया जाएगा, यानी हर रोज़ आपका जो बैकअप है वो लिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने डेली से ले किया, आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आप लोग एक महीने में लेना चाहते हो, एक हफ्ते में लेना चाहते हो या कभी भी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, या मंथली लेना चाहते हो, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, यानी जब मैं बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो बैकअप लिया जाए, तो आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप लोग बैकअप डेली लिया करें। ओके, सो यहाँ पर मैंने डेली से ले किया। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप यूजिंग सेल्यूलर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन आप लोगों ने ऑन करना है। ओके, सो अभी आप लोगों को ये 3 चीज़ें आप लोगों ने करनी है, जीमेल अकाउंट प्रोवाइड करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है बैकअप टू गूगल ड्राइव विन, यानी कब आप बैकअप लेना चाहते हो, तो यहाँ से डेली आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, और तीसरा जो ऑप्शन है बैकअप यूजिंग सेल्यूलर। ओके, सो ये ऑप्शन आप लोगों ने इनेबल करना है। ओके,
अब ये रोज़ाना ये ख़ुद जो है ना बैकअप लेगा। ओके सो फर्स्ट टाइम है, हम बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी बैकअप लेगा। ओके सो रोज़ाना जब आप लोग इंटरनेट ऑन करेंगे तो ये बैकअप ख़ुद से लेगा। ओके आपका अकाउंट जो है ना वो बंद हो जाता है, दोबारा आप लोग बनाते हैं तो आपके पास बैकअप होगा, और जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे इस नंबर का ओके तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा, जितना भी चैट होगा वो दोबारा आप लोग रिस्टोर कर पाएंगे, यानी दोबारा आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। ओके यानी अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी बंद हो जाता है या आपका मोबाइल टूट जाता है या गुम हो जाता है, आप लोग इस नंबर पर दोबारा अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप लोगों के पास बैकअप होगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। ओके सो बैकअप किस तरह लिया जाता है मैंने आप लोगों के सामने दिखाया, आप लोगों को बताया कि बैकअप किस तरह लिया जाता है, बैकअप क्या होता है। सो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दें, चैनल पर नए बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।